गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो वीडियो है ये 3 मई का है। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कितना जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो जी नहीं, मुझे एक्चुअली टाइम ही नहीं मिल पा रहा है वीडियोज़ अपलोड करने का और एडिटिंग का। मेन एडिटिंग का टाइमिंग नहीं मिल पा रहा है। वीडियो तो मैं शूट कर लेती हूँ बट एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो ये 3 मई की वीडियो है जहाँ पे मैं शाम से ब्लॉग स्टार्ट की थी लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। तो ये जो वीडियो होने वाला है बेंगलोर टू मुंबई, मुंबई टू बेंगलोर वाला ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसके बाद से मैं 6 तारीख को निकल गई थी मुंबई के लिए, क्योंकि मैं 1 तारीख को मेरी बेटी के बर्थडे पे नहीं पहुंच पाई थी, मुझे टिकट अवेलेबल नहीं मिली, इसलिए तो मैं 6 तारीख को गई थी। तो उससे पहले ये 3 तारीख का ब्लॉग है और जिसमें मैं बर्तन वर्तन धो रही हूँ, आपको दिख ही रहा है। और आई नो आप लोग मेरी ब्लॉग का बहुत ज़्यादा वेट करते हो, बट ब्लॉगिंग ऐसा होता है ना कि उसमें काफ़ी ज़्यादा एडिटिंग होता है, वॉइस ओवर देना होता है, सारा तामझाम करना होता है, इसीलिए मुझे ज़्यादा उसमें टाइम देना पड़ता है। तो वो मुझे नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मेरा क्रंच वीडियोज़ और मुकबंग वीडियो की तैयारी में ही मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है। तो कोई नहीं, मैं कोशिश करूँगी कि हफ्ते में एटलीस्ट 2 या 3 वीडियो तो दे दूँ, बट पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है, तो इसके लिए सॉरी। बट जो भी वीडियो दे रही हूँ आप लोग प्लीज़ अप्रिशिएट करना कि मैं थोड़ा टाइम निकल के मैं दूँगी, ऐसा नहीं है नहीं दूँगी। तो यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह धो रही हूँ शाम की, और नेक्स्ट डे मुझे जाना था, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने अपना ब्लड टेस्ट वगैरह करा लिया था और यहाँ पे बैठ गई थी आइसक्रीम खाने। फिलहाल मैंने आइसक्रीम सोचा था लेकिन फिर मैंने ओरियो मिल्क शेक पिया था और क्या पिया था। ये 4 तारीख का ब्लॉग है, वो 3 तारीख से मैंने स्टार्ट किया था और ये 4 तारीख का ब्लॉग है मेरा। तो यहाँ पर देखिए मैंने ओरियो मिल्क शेक लिया, यहाँ पर ग्लास काफ़ी बड़ा दिख रहा है लेकिन ये बहुत स्मॉल साइज़ था, इसीलिए मैंने 2 लिया, एक फालूदा लिया है और एक ओरियो मिल्क शेक लिया है। और वहाँ पे जो बच्चे थे मैंने उनको बोला था थोड़ा सा वीडियो शूट करने के लिए, तो उन्होंने थोड़ा सा क्लिप ऐड कर दिया, मतलब शूट कर दिया। उनको भी समझ में नहीं आया कैसे शूट करना, तो एकदम मुंह पे ही फोकस करके वो लोग ने शूट किया है इस वीडियो को। तो फिलहाल मैं इसको एंजॉय करती हूँ और बहुत अच्छा था। और यहाँ पर मैंने अचार बनाया था तो वो यहाँ पर, और फिर डॉक्टर ने मुझे थोड़ा सा खाना वीना खाने से मना किया था, अवॉइड करने के लिए बोला था क्योंकि पेट में काफ़ी ज़्यादा जलन हो रहा था, तो उन्होंने सिर्फ लिक्विड पीने के लिए बोला था और थोड़ा सा स्वेलिंग हो गया था पेट में इसलिए। तो यहाँ पे और मैं निकल गई थी 6 तारीख, डायरेक्ट 4 तारीख से डायरेक्ट मैं 6 तारीख को शूट कर रही हूँ। 6 तारीख को मैं निकल गई थी मुंबई जाने के लिए, मेरी शाम की फ़्लाइट थी लेकिन मैं 2-3 घंटे पहले निकली थी क्योंकि बैंगलोर में इस समय काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। इस समय मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो भी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और आप क्लाइमेट देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बारिश थी। तो यहाँ पे फाइनली मैं एयरपोर्ट पहुँच गई हूँ और मैं घर पे कुछ खाई नहीं थी, मेडिसिन वगैरह लेना था, इसीलिए फिर मैंने एयरपोर्ट लॉन्च में ही अपनी बुकिंग कर ली थी, तो मैंने वहीं से खाना वाना खा लिया। तो काफ़ी अच्छा होता है, आपके पास क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होता है तो उसमें बुकिंग हो जाता है और इतने पैसे भी नहीं लगते हैं, वो बैंक की तरफ से ही कुछ ऑफ़र वगैरह रहता है हर कार्ड पर, तो सिंपली वो बुक हो जाता है, कर लेते हूँ तो फिर इतना नॉलेज तो है कि कर लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत खाना मैंने खाया, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा है, आपको भी देख के लग रहा होगा। तो यहाँ पे उसके बाद खाना में, क्योंकि मेरे पास अभी 3-4 घंटे थे तो मैंने फिर थोड़ा सा सूप पिया, थोड़ा सा मिल्क पिया, फिर जितना टाइम था उतना टाइम मैंने खाने पीने में किया और उसके बाद से फिर मेरी फ़्लाइट थी तो मेरा फ़्लाइट का टाइम हो गया, तो यहाँ पे मैं बस में जा रही हूँ। अच्छा, कभी कभी डायरेक्ट ही आपको फ़्लाइट में जाने को मिलता है, कभी कभी बस लेके जाती है फ़्लाइट के तरफ, तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल बस से जा रही हूँ। और दोनों साइड की जो मेरी फ़्लाइट थी वो इंडिगो की थी, तो इसीलिए, और मुझे इंडिगो का सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि इंडिगो की फ़्लाइट ही मैं बुक करूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं घर पहुँच गई थी तो वंदन और बच्चे आए थे तो हमने मटन एंजॉय किया, भाखरी एंजॉय किया। ये सिर्फ क्लिप इतनी ही बॉम्बे की है, उसके बाद के मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ। यहाँ पे मैं और वंदन भाखरी और मटन खा रहे हैं, वो भी राजेश के फ्रेंड का बर्थडे था तो उन्होंने ये भेजा था घर पे, तो हम लोग ये सब खा रहे हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। उसके बाद से फिर डायरेक्ट मैं 17 तारीख को मैं निकली हूँ घर से मुंबई से बैंगलोर के लिए, तो ये वहाँ का शूट कर रही हूँ। यहाँ पे फ़िलहाल बैठी हूँ और मैं 10-15 मिनट के लिए बैठी हूँ क्योंकि अभी मेरा लॉन्च टाइम हुआ नहीं था, क्योंकि लॉन्च एक्सेस में जाने के लिए 3 घंटे का आपके पास टाइम होना चाहिए, 3 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए।
तो फिलहाल मेरा अभी टाइम था तो इसलिए बैठी थी। जब टाइम हुआ तो मैं चली गई, अपना खाना भी ना खाया, 3 घंटा अपना एंजॉय किया। फ़ोन पे कॉल चालू है मेरा, कॉल पे बात कर रही हूँ सिस्टर से, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे लॉन्ज एक्सेस में जाके बैठना, खाना पीना खाना। 3 घंटे आराम से निकल जाते हैं, टाइम पास हो जाता है। ये है कि मतलब आपका फ़्लाइट मिस नहीं होता, क्योंकि एक दो बार मेरी फ़्लाइट मिस भी हो चुकी है। देन लास्ट में निकलने के टाइम मैंने यहाँ पे 2 बॉटल पानी ले लिया लेके जाने के लिए, और यहाँ पर थोड़ा सा केक खाया। और यहाँ पर ये लोग रील शूट कर रहे थे तो मैं इनको शूट कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और मैंने भी यहाँ पर रील शूट किया है, मेरा जो नया वाला जो इंस्टा आईडी है मैं मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग चेक कर लेना। उस पर अभी नई नई वीडियोस आती है, कॉमेडी और सॉन्ग की वीडियो, उसमें और कोई भी वीडियोस नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए, ये भी फ़्लाइट मेरी इंडिगो की थी और बहुत मज़ा आता है मुझे। और आप लोग सोच रहे होंगे, दीदी फ्लाइट में जाती है, फ़्लाइट में आती है, इतना पैसा खर्चा करती है, तो अब उसका हाल तो मैं ही जानती हूँ कि कैसे जाती हूँ और कैसे आती हूँ। बहुत मेहनत करती हूँ ये सब चीज़ करने के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के खाती हूँ या कुछ नहीं, मैं घर में अकेले रहती हूँ तो भी अपनी वीडियोज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, और टाइम टू टाइम वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। क्रंच और पूरी ऐसे से तो मैं डेली ही अपलोड करती हूँ, लेकिन ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाती उतना, क्योंकि जितना रिस्पॉन्स मुझे क्रंच और इस पर रिस्पॉन्स मिलता है ना पूरी एसएस पे, उतना मुझे ब्लॉग पे रिस्पांस नहीं मिलता है, इसलिए मैं ज़्यादातर मेहनत उसी पे करती हूँ। तो यहाँ पे फ़्लाइट में एंट्री हो गई है, और फिलहाल इस वीडियो में कुछ था ही नहीं, तो मैंने थोड़ी 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 क्लिप ऐड की थी। बाकी मैंने मुंबई का कुछ भी शूट नहीं किया, मुंबई में सिर्फ 3 वीडियो शूट की थी, एक क्रंच वीडियो और 3 मुखबंग वीडियो, जो ऑलरेडी आपने देखा होगा बैकग्राउंड पूरा वाइट था, क्योंकि मैं यहाँ पे रहती हूँ तो पूरा सेटअप लगा के ही मतलब शूट करती हूँ। यहाँ पे तो पूरा मेरा सेटअप है, इसीलिए मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन कहीं जाती हूँ ना तो मुझे वीडियो शूट करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, मुखबंग वगैरह शूट करने के लिए, क्योंकि उसको एक जगह पर बैठ के शूट करना होता है, और आपको ऐसा घर खाली नहीं मिलता, रूम खाली नहीं मिलता कि आप वीडियो शूट कर पाओ, बच्चों का नॉइज़ है, वो चिल्लाना विलाना सब चालू ही रहता है। तो फिलहाल टेक ऑफ के लिए तैयार हो गई है, और ये जब फ्लाइट उड़ती है ना तो पेट में ऐसी गुदगुली होती है ना, इतना मज़ा आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिलहाल तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे, मैं 17 तारीख को ही आ गई थी, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी तक कहीं बाहर बाहर नहीं गई आने के बाद। और आज मुझे लगता है एडिटिंग कर रही हूँ, आज 21 है, मतलब सोचो ये वीडियो मेरी चल रही है 3 तारीख से लेके 21 तक की वीडियो है। आप लोग भी सोच रहे होंगे मैं कितना एक्टिव रह रही हूँ कितना नहीं रह रही हूँ, और ये व्यूज़ तो व्यू इतना अच्छा लग रहा था ना कि क्या ही बोली, ये बॉम्बे का है और यहाँ पे जो जुहू वगैरह जो पानी वगैरह समुद्र वगैरह है वो सारा ऊपर जाने पे इतना अच्छा लगता है ना, तो मैंने थोड़ा सा क्लिप शूट कर लिया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फ्लाइट ना मतलब क्लाइमेट के वजह से ना थोड़ा डिले हो गई थी, क्योंकि बेंगलोर का क्लाइमेट थोड़ा सा बारिश वाला है, इस समय भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और मैं काफ़ी ज़्यादा बड़बड़ कर रही हूँ, आप लोग बोर हो जाओगे, तो प्लीज़ इग्नोर करना इस चीज़ को। तो यहाँ पर मैंने इतना थोड़ा बहुत शूट किया, आई होप आपको अच्छा लगे, अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो यार, और वीडियो को शेयर कर दिया करो। मुझे लगता है कि नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उतनी वीडियो लोग नहीं देख रहे। और यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैंने फ़्लाइट में ही चाय ले ली, बहुत अच्छी चाय थी। और उसके बाद से देखिए फाइनली मैं लैंड होने वाली हूँ, और ये बैंगलोर का क्लाइमेट है, बैंगलोर रात में कैसा दिखता है आप लोग देख लो। फिर उसके बाद से देन मैं उतर गई, उतरने के बाद से मैं अपना बस ले ली। बहुत यहाँ का ना बैंगलोर का मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है, यहाँ फैसिलिटी बहुत अच्छी है, आपको अगर कैब का बजट नहीं है तो आप बस ले सकते हो, बहुत ही अच्छा यहाँ पे। वैसा भी नहीं कि एकदम कॉमन बस है, पूरा एसी बस है, उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा मतलब आपके कैब से भी बहुत कम होता है, तो मुझे वही ज़्यादा मैं अफोर्ड कर पाती हूँ, मतलब 250 में मैं अपने घर तक पहुँच जाती हूँ आराम से। ये बस पूरा आपके एरिया वाइज नंबर वाइज रहती है, आप उस बस में चढ़ जाओ और चले जाओ। तो फिलहाल तो अभी मैं फ़्लाइट से निकली हूँ तो ये एयरपोर्ट की बस है, तो जो मुझे एयरपोर्ट पे ड्रॉप करेगी फिर वहाँ से मैं बाहर निकलूँगी। तो फिलहाल चलिए फटाफट बाहर निकलते हैं और फिर मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ। और बस में ना यहाँ पे बैंगलोर में लेडीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कि मतलब जेंट्स तुरंत खड़े हो जाते हैं लेडीज़ को बैठने के लिए, तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं बैठ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी, क्योंकि मैं घर से ना 1:30 तक मैं घर से निकल गई थी। और यहाँ पे फ़िलहाल मैं आ गई हूँ एयरपोर्ट पे और अभी मैं यहाँ से बाहर निकल रही हूँ, बाहर निकलने के बाद से मुझे बस में जाना है, और बस भी मुझे तुरंत मिल गई थी। और मेरा शक्ल देखो, शक्ल पे 12 बजी है, पहुँचते पहुँचते तो मुझे घर पे 12:30 1 हो गया था घर आते आते, तो कोई नहीं। और यहाँ पे पहले मैं वॉशरूम जा रही हूँ,
अच्छा सब बताना होता है ब्लॉग में, वॉशरूम जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और फिलहाल यहाँ मेरी बस मिल गई है, तो यहाँ पे मैंने शूट नहीं किया बस में चढ़ने का, क्योंकि पापा का कॉल, वंदन का कॉल, बच्चों का कॉल आ गया था, मैं पहुँची कि नहीं पहुँची पूछने के लिए, तो फिलहाल ऑलमोस्ट मैं पहुँचने वाली हूँ घर पे, और फिर मिलती हूँ आपको घर पे, बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं आ गई रात को बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कितने बजे आई, 12:30 को आई, और उसके बाद शावर लिया, थोड़ा सा स्नैक्स खाया, मैंने वहीं से समोसा पाव और क्या आलू भुजिया लेके आई थी तो मैंने खा लिया, और चाय बनाया। अभी सुबह सुबह 9:30 बज रहे, 8:30 बजे मैं उठी हूँ सो के, क्योंकि कल रात को इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी तो मैंने सोचा चलो अभी ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, आ जाते हैं अपने अवतार में अपने वीडियो के। तो बस अभी दवाई वाई खा के मैं बैठी हूँ, और अभी स्विगी से सामान ऑर्डर किया है वो भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं था, मैंने जाने के टाइम सारा दीदी को दे दिया था, यानी घर में एक मिर्ची का टुकड़ा भी नहीं है। तो अभी जब सब सामान आएगा तब मैं ब्रेकफास्ट वगैरह करूँगी, बनाऊँगी, खाऊँगी तो वही, और मुखबंग की तैयारी करूँगी, क्योंकि यहाँ रहती हूँ ना तो मैं अपना प्रॉपर तरीके से वीडियो वगैरह शूट करती हूँ, लेकिन वहाँ जाती हूँ तो मैं अपना वीडियो वगैरह इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती वीडियो पर, तो वही। और पेंसिल लगा लगा के देखो, आईब्रो अब थोड़ी डार्क हो गई है, ठीक है। तो बस अभी सामान मंगाया है, देखते हैं कितना जल्दी आता है, 15 मिनट दिखाता है, 15 मिनट से पहले आ जाएगा, तो आता है फिर आपको दिखाती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मतलब मैं जब नहीं थी तो मैंने प्लांट को कैसे रख के गई थी, और बैग वहाँ देखे लगेज वहाँ पड़ा है, बैकग्राउंड में निकल के लेके गई थी, और यहाँ का लाइट चालू मैं बंद कर देती हूँ, ये लाइट मोबाइल से चलता है मेरा, छोटा वाला किधर गया, अरे किधर गया छोटा वाला जो लाइट है, MI का है ये, किधर दिखता भी नहीं है, किधर गया पता नहीं। हाँ, MI का जो बल्ब है ये मोबाइल से चलता है, बहुत अच्छा है, आप बेड पे लेटे रहो और मोबाइल से ऑपरेट करो, कम ज़्यादा कैसे क्या करना है। तो फिलहाल अभी लगेज मैंने खाली नहीं किया है, और मंदिर की कुछ ऐसी हालत हुई पड़ी है, इस बार ज़्यादा घर गंदा नहीं था, क्योंकि इस बार मैं प्रॉपर तरीके से घर को बंद करके गई थी, और मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि प्लांट को मैं कैसे रख के गई थी। तो प्लांट को देखिए एकदम एग्जैक्ट टाइम पे आई हूँ, मिट्टी अभी भी गीली है, ये पूरा बाउल में भर के गई थी, आप देख सकते हो पूरा सूख चुका है, थोड़ा सा ही होगा पानी, लेकिन मिट्टी अभी भी गीली है, इसको मैं पूरा फुल करके गई थी तो थोड़ा सा ही कम हुआ है, और किचन वगैरह तो नीट एंड क्लीन है, अभी रात को सिर्फ चाय वगैरह बनाई थी, तो यहाँ पे इसको भी देखिए बड़े टोप में पानी डाल के गई थी, इसकी भी मिट्टी ऑलमोस्ट गीली है, आप देख सकते हो मैंने अभी तक पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, और इसमें एक और ये डाल के गई थी तो इसमें भी पत्ते आ गए, तो ये काफ़ी, अभी इधर ना मुझे कुछ बांधना है तो इसको मैं ऐसे ऊपर साइड करूँगी, बोलते हैं मनी प्लांट ऊपर साइड जाना चाहिए, नीचे साइड नहीं आना चाहिए, तो अभी इसको मैं ऐसे बांध के ऐसे रखूँगी, क्योंकि बर्तन बिर्तन धोते तो, और इसको भी देखिए बाउल में, तो अभी तो इसमें पानी है, इसमें काफ़ी सारे नए ग्रोथ हो गए, लास्ट टाइम जब गई थी ना तो मैंने कुछ ऐसा करके गई नहीं थी तो सारे सूख गए थे, तो अभी इसमें नए ग्रोथ हो गए, कुछ अलग अलग एक्स्ट्रा हुए हैं ना, उसको मैं अलग से रख दूँगी, मतलब दूसरे में कर दूँगी, और इसको भी बॉन्साई को भी, तो इसमें ये नीचे से लीकेज नहीं है ना पानी का, ज़्यादा इसमें से लीक नहीं होता पानी, तो इसमें ये मिट्टी भी गीली है, तो मेरे इस बार प्लांट अच्छे खासे है। और रही बात मेरी फिश, तो नीचे मैंने नीचे वाले को देके गई थी, तो अभी थोड़ी देर बाद दीदी आएगी तो मैं उनसे मंगा लूँगी, और एलोवेरा को कुछ भी हुआ नहीं है, मैं वो भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे एलोवेरा को कुछ हुआ नहीं है, और यहाँ मेरे जितने भी क्ले थे इसको ढक के गई थी, ये वाले तो जब फर्स्ट टाइम गई थी तभी सूख गए थे, तो इसमें अभी नए प्लांट आज लगा दूँगी, आज या 2 दिन में लगा दूँगी, बाहर जाऊँगी तो आइडिया अच्छा है ना, प्लांट अगर आपके पास है तो ऐसे टोप में पानी भर के आप आराम से 10-12 दिन बाहर रह सकते हो बिना टेंशन के, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस बार तो मैं इतना दिमाग लगा के गई थी, लेकिन लास्ट टाइम जब गई थी ना तो सब ऐसे ही छोड़ के गई थी, एक विंडो खुली रह गई थी इसलिए पूरा घर गंदा हो गया था मेरा, लेकिन इस बार मैंने पूरा टोटल कर्टन बिटन सब बंद करके गई थी, तो बेड भी गंदा नहीं हुआ, कुछ भी गंदा नहीं हुआ, तो मुझे कुछ भी साफ करने की जरूरत नहीं है। इस बार भी मैं गई थी तो 10 दिन के लिए गई थी, लेकिन एक भी वीडियो शूट नहीं किया, लेकिन मुखबंग वगैरह का और क्रंच वीडियो जो शूट किया होगा वो एक क्रंच वीडियो शूट किया था, और 2 या 3 मुखबंग वीडियो शूट किया, ज़्यादा नहीं शूट किया था। तो बस अभी स्विगी से सामान आता फिर आपको दिखाती हूँ, तो फाइनली स्विगी से सामान आ गया, चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो अभी इसको खोल लेते हैं हम लोग, तो मैं इसको काट दूँगी डायरेक्ट, तो ये मिर्ची है यहाँ पे, ये साग है, धनिया,
कैप्सिकम मैं फटाफट निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो मैंने 2 टेट्रापैक दूध ऑर्डर किया था, तो मैं ज़रा ऑनलाइन में देखती हूँ कि 1 था कि 2 था, क्योंकि मैंने 2 ऑर्डर किया था। तो अभी इतना सारा सामान है, अब इसको मैं जगह पे लगा देती हूँ। और फाइनली मंदिर साफ करके मैंने पूजा कर लिया है, लेकिन अभी घर की सफाई नहीं हुई है, सब्जियाँ खाली करके यहाँ रख दिया है। और मेरा भी शावर लेके हो गया है, और अब जा रहे हैं और चाय पीने। तो ये फिलहाल देखिए, इसके ये जो मैंने ना सब्जियाँ खोली थी, तो ये थोड़ी मुझे फ्रेश नहीं लगी, तो मैंने स्विगी टीम से बात किया, तो उन्होंने मुझे इसका रिफंड दे दिया। और एक टेट्रा पैक मैंने 2 मंगाया था, तो उन्होंने 1 ही भेजा, तो उसका भी रिफंड दे दिया। यानी जो वेजिटेबल थोड़ा सा ख़राब होता है ना, तो आप उनको मैसेज कर सकते हो, जैसे पत्ता गोभी, फ्लावर, मतलब ओके है, क्योंकि ये देखिए थोड़ा सा ड्रमस्टिक, तो ये सारी चीज़ों का मुझे रिफंड मिल चुका है। तो चलिए, कोई इशू नहीं है, रिफंड तो लोग ने दे दिया। तो अभी मैं चलती हूँ चाय बनाने, और मैंने सोचा था टाटा पैक 2 रहेगा तो कम से कम मेरा 2 हफ्ता तो चलेगा, क्योंकि मैं 2 टाइम ही चाय पीती हूँ और अकेली हूँ, तो 2 हफ्ता तो चल जाएगा, 1 लीटर रहता है, 2 हफ्ता नहीं चले लेकिन 1-1.5 हफ्ता तो चली जाए। तो चलिए फटाफट चाय पी लेते हैं। और मुझे सारा ट्राईपॉट वगैरह अभी बैग में से निकालना है, मैंने निकाला नहीं है, तो बाद में निकालती हूँ, फिर आपको एक रेसिपी कुछ बनाऊँगी तो आपको इसके अंदर शेयर कर दूँगी। तो चलिए मिलते हैं बाद में। और यहाँ पे मैंने चाय मैगी बना लिया है, पहले मैं इसको खा लेती हूँ क्योंकि मुझे लगी है बहुत ज़ोरों की भूख। तो फिलहाल मैगी वैगी बना लिया है, मैं खा लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी जाना है ग्रॉसरी लेने, क्योंकि घर में ग्रॉसरी भी नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मेन चीज़ें हैं वो लेनी है, तो देखते हैं अभी मैं जाऊँगी तो आपको भी साथ में लेके जाऊँगी।